दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बात करेंगे सियासत की, और सियासत के अंदर जो कुर्सी का रंग है, जो सत्ता की चमक है, जो सत्ता से नजदीकी है, वो चुंधियाई हुई आंखों में भी रोशनी भर देती है, वो मुरझाए हुए चेहरे पर भी लालिमा ला देती है। और उस लालिमा को इस समय नजदीक से देख रहे हैं, कभी लोकसभा के सदस्य रहे, कभी विधानसभा के सदस्य रहे, कभी राजनीति के मुख्य केंद्र में रहे, जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो भिवानी से सांसद रहे थे, जो उस समय यानी कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय सत्ता के प्रमुख केंद्र थे, वो अजय सिंह चौटाला जो कि राजनीति के मुख्य केंद्र बिंदु में होकर के प्रदेश की जनता के अंदर बहुत नज़दीक तक पहुंचते थे, जिनका संगठन में अपना एक ज़बरदस्त वजूद हुआ करता था, लेकिन या शनि की साढ़े साती थी या वो क्या था कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को अपने पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ JBT शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 10 साल की सजा हो गई। अब 10 साल की सजा पूरी हो चुकी है। इस समय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पूरी तरह से राजनीति के अंदर, सियासत के अंदर मशगूल हैं, प्रदेश के हर कोने में दौरे कर रहे हैं। 17 सितंबर को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर उनकी रैली होने जा रही है, और उस रैली के माध्यम से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला अपने लिए वो जमीन तलाश रहे हैं, जबकि वो एक बार दोबारा लोकसभा में बोल सकें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, मैंने आपको बताया कि सत्ता और कुर्सी का जो रंग है ये आसानी से उतरता नहीं। जिस प्रकार प्रेम रंग कभी उतरता नहीं है, वैसे ही सियासत का रंग भी सर चढ़कर बोलता है। अब क्योंकि अजय सिंह चौटाला की सजा पूरी हो चुकी है, 10 साल का सजा का समय काफ़ी दिन पहले पूरा हो चुका है, वो जेल से रिहा हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं, इस समय सियासत में पूरी तरह सक्रिय हैं, तो इसके साथ साथ उन्होंने दावा कर दिया है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा वो NDA के साथ मिलकर लड़ेंगे, यानी कि जननायक जनता पार्टी BJP गठबंधन प्रदेश के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की निगाह है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि भिवानी मेरा घर है। आज भी वो भिवानी में थे, कई कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठकें भी की, और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते उन्होंने कहा कि भिवानी मेरा घर है, भिवानी को मैंने बड़े पास से देखा है, भिवानी की मैंने सेवा की है। वाकई भिवानी के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला लोकसभा का चुनाव जीते भी हैं और हारे भी हैं, और सांसद होते हुए अजय सिंह चौटाला का जो जिस प्रकार का कार्य रहा, जिस प्रकार का रुतबा रहा, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, अनदेखा नहीं किया जा सकता। और मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कोई ग्रह चाल थी, कोई ग्रहों का प्रकोप था, या जाने क्या कारण था कि JBT शिक्षक भर्ती घोटाले में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को सजा हो गई। अब अजय सिंह चौटाला के मन में पूरी तरह से हिलोरे हैं कि वो भिवानी से एक बार फिर से संसद का, लोकसभा का चुनाव लड़ें, और चुनाव लड़कर वापस उसी रुतबे पर आ जाएं जिस पर पहले थे। आपको एक बात और ज़रूर बता दें कि सियासत के अंदर, आप चाहे मुगलों के समय की बात कर लें या आज की राजनीति में आ जाएं, पार्षद से लेकर के और किसी भी बड़े पद तक नेता कोई भी हो, उसकी संतान यानी कि उसकी औलाद चाहे राजनीति में कितना ही बेहतर कर रही हो, लेकिन जो सियासत का, जो सत्ता का जो असर है, जो रंग है, ये कुछ इस प्रकार से आकर्षित करता है कि आदमी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, इससे दूरी नहीं बना सकता। आज दुष्यंत चौटाला भले ही प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, भले ही प्रदेश की सत्ता के अंदर जननायक जनता पार्टी की भागीदारी है, और उस भागीदारी को देखते हुए अजय सिंह चौटाला का भले ही प्रदेश की सियासत के अंदर एक अपना रुतबा आज भी कायम है, लेकिन उसके बावजूद भी जब खुद चुन करके माननीय बनते हैं, जब खुद चुन करके लोकसभा या विधानसभा में जाते हैं, तो उसका रुतबा कुछ अलग ही होता है। हालांकि कानून के हिसाब से जब किसी व्यक्ति को सजा होती है तो वो सजा पूरी होने के बाद अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होते, अयोग्य रहते हैं। अब ऐसे में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला क्या जो संविधान की मजबूरी है, जो कानूनी अड़चने हैं, क्या वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ आ सकती हैं? क्या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? क्या जननायक जनता पार्टी और BJP का अगर गठबंधन लोकसभा चुनाव में होता है तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट क्या JJP के खाते में रह सकती है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब तब मिलेगा जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पूरे रंग में है, पूरे ताव में है, पूरे जोश में है, और जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच अपने संबोधन भी दे रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं, पुराने दिन याद भी कर रहे हैं, पुरानी यादें भी ताज़ा कर रहे हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं मन में उनके एक बात जरूर होगी कि कहीं जो कानूनी अड़चन उसको चुनाव लड़ने से रोक ना दे। इसलिए ये भी कह रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ हमारा घर है, अगर मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, कोई मजबूरी हुई, तो फिर दिग्विजय इस ड्यूटी को पूरा करेगा। अब उस ड्यूटी को दिग्विजय पूरा करेंगे या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला खुद चुनाव लड़ेंगे, ये सब भविष्य गर्भ में है और सब सामने तब आएगा जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, गठबंधन होगा, गठबंधन में सीट मिलेगी, उस पर अजय सिंह चौटाला पर कोई कानूनी बाध्यता रहेगी या नहीं, अजय सिंह चौटाला चुनाव मैदान में होंगे या उनकी छाया के रूप में पुत्र दिग्विजय चुनाव मैदान में आएंगे, नज़र आपकी भी रहेगी, जिज्ञासा आपकी भी होगी कि क्या हो सकता है। प्रयास हमारा भी होगा कि सबसे पहले आपको हम ही बताएं। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।